दोस्तों गूगल के फुशिया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमें सबसे पहले पता चला था सन 2016 में जब जीआईटी हमें इसकी एक लिस्टिंग आई थी, और अभी रिसेंटली 2019 में गूगल के एंड्रॉयड और क्रोम के सीनियर वीपी ने स्टेज पे, गूगल आयो के स्टेज पे फिर से एक बार इसकी बात करके टेक कम्युनिटी में फिर से चहल पहल मचा दी है। मतलब लोग फिर से फुशिया ओएस की बात करने लगे हैं। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बेसिकली, और फुशिया ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डिफरेंट है या कैसे यूनिक है या इसकी ज़रूरत क्यों है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रेश, आप देख रहे हैं गीक आचार्य, और आज बात करेंगे फुशिया की और जानेंगे कि आखिर ये क्या बला है। जो बेसिक फंक्शन होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो ये होता है कि जो यूजर है और जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर यानी कि आपका मोबाइल फोन या फिर आपका कंप्यूटर, और यूजर यानी कि मैं या आप जो भी उस कंप्यूटर या मोबाइल फोन को ऑपरेट कर रहे हैं, तो जो भी यूजर है उसको कंप्यूटर से जो भी काम करवाना है उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करवाना, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि अगर आपने एंड्रॉयड फोन के अंदर कोई एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहते हैं, तो जब आप उस एप्लीकेशन के आइकन पे टैप करते हैं और वो एप्लीकेशन लॉन्च होता है, तो ये बेसिकली एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये इंश्योर करे कि जो भी एप्लीकेशन आप लॉन्च करना चाह रहे हो उसके लिए एडिक्वेट रैम आपके सिस्टम में अवेलेबल है, उसको एडिक्वेट सीपीयू रिसोर्सेज मिल जा रहे हैं, और उसको नेटवर्क कनेक्टिविटी जितनी चाहिए, बैंडविड्थ जितनी चाहिए उतनी मिल रही है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली यही सब करता है कि जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, उन्हें आपके काम के मुताबिक यूटिलाइज करके आपको जो आप करवाना चाहते हैं वो करके देना। तो बेसिकली ये एक मीडिएटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ये सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर होता है, और बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हार्डवेयर बिल्कुल एक बॉक्स या एक ब्रिक की तरह, आप उससे कोई फंक्शन काम करवा नहीं सकते बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम लेवल एप्लीकेशन होता है, एक सिस्टम लेवल सॉफ्टवेयर होता है जो बेसिकली एक मीडिएटर का काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। अब एक टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, पहला तो होता है कर्नल और दूसरा होता है शेल। तो जो कर्नल हिस्सा होता है वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने का काम करता है, और जो शेल हिस्सा होता है वो यूजर से कम्युनिकेट करने का काम करता है। तो बेसिकली जो यूआई एलिमेंट्स देखते हैं आप, जो यूजर इंटरफेस एलिमेंट देखते हैं, जैसे आइकन्स हो गया या फिर आपका नोटिफिकेशन शेड वगैरह एंड्रॉयड के अंदर, ये सारा कुछ जो जिससे आप इंटरेक्ट करते हैं वो बेसिकली एंड्रॉयड का शेल है, वो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का शेल है। और कर्नल वो पार्ट होता है जो हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहा है, जो रैम से कम्युनिकेट कर रहा है, जो कैमरा वगैरह से कम्युनिकेट कर रहा है, जो सीपीयू से कम्युनिकेट कर रहा है, जो मॉडेम वगैरह से कम्युनिकेट कर रहा है। तो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने वाला पार्ट होता है कर्नल, और यूजर से कम्युनिकेट करने वाला पार्ट होता है शेल, और दोनों मिलके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो इसलिए क्योंकि यूज केस के मुताबिक हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम से जो हमें चाहिए होता है जो वो बदलता जाता है, और जैसे जैसे हार्डवेयर इवॉल्व करता है हमें नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जब कंप्यूटर इवॉल्व हो रहा था, जब कंप्यूटर नया नया आया था, तब कमांड लाइन इंटरफेस हुआ करता था, ऑपरेटिंग सिस्टम इतना सिंपल हुआ करता था, सिर्फ कीबोर्ड इंटरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। तो आपको कमांड टाइप करने होते थे क्योंकि माउस तो उस वक्त था नहीं, तो किसी भी चीज से किसी भी आइकन पे आप पॉइंट नहीं कर सकते थे। बेसिकली उस वक्त डॉस हुआ करता था कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, और लोग कीबोर्ड से कमांड दे के काम करते थे। फिर x86, इंटेल के x86 प्लेटफॉर्म आया, जिसपे फिर फाइनली माउस भी आ गया कंप्यूटिंग इंडस्ट्री में। तो माउस और x86 को देखते हुए मैक ओएस और विंडोज ओएस मार्केट में आए, जिनमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था जो माउस का यूटिलाइजेशन कर सकते थे, कि आपको एक पॉइंटर दिखेगा स्क्रीन पे जिसे आप माउस से हिला सकते हैं, कहीं पे भी पॉइंट कर सकते हैं, और फिर क्लिक करके एप्लीकेशंस को लॉन्च कर सकते हैं। तो विंडोज और मैक ओएस तब आया जब माउस इन्वेंट हो गया था, जब माउस को यूज करने के लिए, यूजर इंटरफेस के लिए माउस को यूज करने की जरूरत पड़ी, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इंट्रोड्यूस किया गया, और तब हमें विंडोज और मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिले। फिर फाइनली इनका कंप्यूटर्स का फॉर्म फैक्टर छोटा हो गया, और आज के स्मार्टफोन जैसे कंप्यूटर्स हो गए, बेसिकली स्मार्टफोन भी हमारे कंप्यूटर्स ही हैं, उनमें भी प्रोसेसर वगैरह होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की भी जरूरत पड़ती है। तो हमारे जो स्मार्टफोन्स थे उसमें इंटरेक्शन कीबोर्ड और माउस से नहीं होता था, इसमें इंटरेक्शन होता था टच स्क्रीन से। तो टच स्क्रीन के लिए फिर से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई करना पड़ा। एप्पल ने अपने मैक ओएस को मॉडिफाई करके iOS डेवलप किया, जो कि अभी तक बहुत ही सॉलिड ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल ने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया टच बेस्ड इंटरफेस के लिए, और वो है एंड्रॉयड, जो काफी पॉपुलर, सबसे ज्यादा पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम।
एंड्रॉयड ही है प्रेजेंटली मार्केट में। तो जैसे जैसे हमारा अपनी डिवाइस से इंट्रैक्शन का तरीका बदलता है, जैसे जैसे हमारा हार्डवेयर चेंज होता है, जैसे कि पहले x86 इंटेल का आर्किटेक्चर था जिसपे विंडोज और मैक ओएस काम करते थे, बाद में फ़ोन के अंदर आर्म के प्रोसेसर आने लगे, तो जो कर्नल यूज़ होती थी उसको भी बदलना पड़ा आर्म के प्रोसेसर के मुताबिक, तो तब हमें नए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। तो नए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत बेसिकली तब पड़ती है जब आपका हार्डवेयर में कोई ड्रास्टिक चेंज आता है या फिर जो यूज़र इंटरफेस हो रहा है उसमें कोई ड्रास्टिक चेंज आता है। अब ये भी आपको यहाँ पे भी दो पार्ट देख रहे होंगे कि अगर हार्डवेयर में कोई चेंज आ रहा है तो मतलब आपको कर्नल चेंज करनी पड़ेगी, और यूजर इंटरफेस में कोई चेंज आ रहा है तो बेसिकली आपको शेल चेंज करना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब अगर दोनों में चेंज आ रहा है तो कर्नल और शेल दोनों चेंज आ जाएगी और आपको एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा। अब पिछले कुछ टाइम से आपने नोटिस किया होगा कि कुछ एयर कंडीशनर्स आ रहे हैं जिनको आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर फिलिप्स ह्यू की जो लाइट्स होती हैं उनकी लाइट की इंटेंसिटी, उनके लाइट का कलर आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह की जो डिवाइसेस हैं इन्हें इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपस में कम्युनिकेट करती हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हुए ये एक खुद का नेटवर्क बनाती हैं। तो इस तरह की डिवाइसेस को इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस कहते हैं, और बेसिकली इन डिवाइसेस का पर्पज़ कुछ और होता है। जैसे कि एक एयर कंडीशनर का पर्पज़ होता है कि हवा को ठंडा करे, एयर की कंडीशन को मॉड्यूलेट करे आपकी प्रेफरेंसेस के मुताबिक ना, तो इसमें बेसिकली बहुत एडवांस कंप्यूटर्स नहीं लगे होते हैं, बहुत बेसिक सी कंप्यूटेशनल पावर होती है, और इसलिए जो रेगुलर अपना जो यूजुअल कर्नल होती है जो बड़े सीपीयूज़ में या फिर मोबाइल के सीपीयूज़ में भी जो कर्नल काम करती है वो इस तरह के यूज़ केसेस के लिए सूटेबल नहीं होगी। और बेसिकली फुशिया ओएस जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस को ही टारगेट करता है। ये काफ़ी लाइट वेट ज़िरकन नाम की कर्नल पे काम करता है, और ज़िरकन कर्नल एक माइक्रो कर्नल है। माइक्रो कर्नल बेसिकली इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत हल्की, बहुत लाइट वेट, बहुत ही छोटी होती है, और इसलिए ये ऐसे चैलेंजिंग कंप्यूटेशनल टास्क परफॉर्म कर सकती है जहाँ पे कंप्यूटेशनल पावर बहुत लिमिटेड होगी। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस इसके लिए बहुत ही सूटेबल होंगी, और बेसिकली गूगल इससे फुशिया ओएस के जरिए इसी को टारगेट कर रहा है। तो फुशिया ओएस का एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन मैंने इस वीडियो के अंत में डाल दिया है, और एक्साइटेड तो मैं काफ़ी हूँ क्योंकि फुशिया ओएस बेसिकली हर एक प्लेटफॉर्म में यूज़ करने के लिए गूगल बना रहा है। बेसिकली हो सकता है कि फ्यूचर में मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स वगैरह में भी गूगल इसे एक्सपैंड कर दे और एक यूनिफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हर एक चीज़ में मिल जाए, आपकी घड़ी में, आपके एयर कंडीशनर में, आपके जूसर मिक्सर ग्राइंडर में, आपके वैक्यूम क्लीनर में, आपके मोबाइल, आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में, सब जगह सिर्फ एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी फुशिया, जो एक सिंगल गूगल अकाउंट पर लॉग इन करते आपको हर जगह एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का एक्सपीरियंस देगा। आप जो काम अपने फोन में कर रहे थे उसे सीधे अपने लैपटॉप में रिज्यूम करने लगेंगे, या फिर जो भी काम अपने लैपटॉप में कर रहे हैं वो कंप्यूटर में करने लगेंगे, कंप्यूटर में जो भी कर रहे हैं वो घड़ी में रिज्यूम कर सकते हैं। तो इस तरह का एक कंटिन्यूस यूजर एक्सपीरियंस दे सकता है फुशिया ओएस हमें फ्यूचर में। तो एक्साइटेड तो मैं काफी हूं और पूरी टेक कम्युनिटी काफी एक्साइटेड है। देखते हैं फ्यूचर क्या लाता है, अगले 5-6 सालों में क्या होता है इस फुशिया ओएस के साथ। तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चल सके फुशिया ऑपरेटिंग सिस्टम और बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इन जनरल के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली डिलीवर होते रहे। और मैंने फुशिया ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा सा डेमोंस्ट्रेशन जो वेब क्रोमियम ब्राउजर के अंदर अवेलेबल है वो मैंने वीडियो के अंत में डाल दिया, तो आप जरूर उसे देख सकते हैं और लुक एंड फील देख सकते हैं कि फुशिया ओएस का लुक एंड फील कैसा मिलेगा आपको। और बेसिकली कुछ डिस्क्रिप्शन में इन सारी चीज़ों के लिंक दिए हुए हैं। फुशिया के डेमोंस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फुशिया के GIT हब रिपोजिटरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप मुझे बस कमेंट्स में एंगेज करिए और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप बताइए कि आगे क्या देखना चाहते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।